गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथ सब्जेक्ट ओपन पेज नंबर 104 राइट टू डेज डेट एंड डे ना टुडेज टॉपिक इज एडिशन ऑफ डेसिमल्स डेसिमल नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं यहाँ पर हम सीखते हैं एग्जांपल है कविता परचेज अ टॉय गेम फॉर सिक्सटी टू रुपीज़ और सेवेंटी फाइव पैसे एंड आइसक्रीम फॉर फिफ्टीन रुपीज़ फिफ्टी पैसे हाउ मच मनी वॉस स्पेंड उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए तो इसके लिए हम क्या करेंगे टू फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाई कबीता वी नीड टू ऐड दोनों नंबरों को हमें ऐड करने की ज़रूरत होगी ठीक है तो वाइल एड एडिंग डेसीमल नंबर्स फर्स्ट प्लेस डेसीमल पॉइंट्स ऑन वन बिलो द अदर दैन डू द सेम जस्ट लाइक एडिंग होल नंबर्स इसमें हम इन नंबर्स को प्लस करने के लिए इन्हें एक के नीचे एक बराबर जमाएंगे उनके डेसीमल पॉइंट्स को ठीक है और फिर इन्हें जैसे हम होल नंबर्स को ऐड करते थे वैसे ही हम इन्हें ऐड कर लेंगे यदि ये जो है अनलाइक डेसिमल में है यदि कोई नंबर यहाँ तो प्रॉपर हैं दोनों में पॉइंट के बाद टू टू डिज़िट्स हैं यदि ये डिज़िट प्रॉपर नहीं होती तो इसमें हम लास्ट में ज़ीरो ऐड करके इन्हें पहले लाइक like डेसिमल में चेंज करते फिर उन्हें ऐड करते तो देखिए यहाँ पर हमने फाइव प्लस ज़ीरो फाइव सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व में टू यहाँ वन यहाँ पर हमारा कैरी ओवर होगा फिर फाइव uh, प्लस टू प्लस वन एट एंड सिक्स प्लस वन सेवन इस प्रकार से हम इन्हें ऐड करते हैं ठीक है प्लेज द डेसिमल पॉइंट इन द सम बिलो द डेसिमल पॉइंट अब और जैसे कि पहले uh, जैसा पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगा हुआ था वैसे ही का वैसा इसके आंसर में ये पॉइंट रहता है ठीक है देखिए यहाँ पर दिया गया है इसमें ये अनलाइक डेसिमल है इसमें पॉइंट के बाद यहाँ टू डिज़िट हैं यहाँ पॉइंट के बाद वन डिज़िट है तो हम फाइव के बाद पहले ज़ीरो लगाएंगे और फिर इसे प्लस करेंगे ठीक है अब है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स जैसे हमने एडिशन देखा वैसे ही हमें सप्ट्रैक्शन करना है द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन डेसीमल इज लाइक दैट फॉर द एडिशन ऑफ डेसीमल्स रिमेंबर टू प्लेस द स्मॉलर डेमल बिलो द ग्रेटर वन एंड सब्ट जस्ट लाइक होल नंबर्स पहले हमें क्या करना है बड़े नंबर को ऊपर उप, लिखना है उसके बाद छोटे नंबर को नीचे लिखना है और जैसे हम सब्टेक्ट करते थे नंबर को वैसे ही हमें सब्टैक्ट करना है एग्जाम्पल देखते हैं पुलक ड्रो लाइन विच हैज़ वन पॉइंट सेवन एट मीटर लोंग एंड हर्षित ड्रॉ लाइन विच वॉ ज़ीरो पॉइंट नाइन मीटर लोंग वॉट इज़ द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द टू लाइन्स इन दो लाइन्स के बीच का डिफरेंस uh, हमें निकालना है तो पहले हम देखते हैं कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है तो इसको ऊपर लिखेंगे इसको नीचे लिखेंगे ठीक है राइट द डेसिमल वन विलो द अदर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू और उनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से उन्हें डेसिमल नंबर्स को अरेंज करेंगे अभी यहाँ पर देखेंगे आप पॉइंट के बाद नाइन है यहाँ पॉइंट के बाद फोर और एट है तो अभी हम ये अनलाइक डेसिमल में हैं तो इसे लाइक डेसिमल बनाने के लिए नाइन के बाद हम ज़ीरो लगाएंगे ठीक है चेंज इन टू लाइक डेसीमल्स अब हम इसे सब टैक्ट करेंगे ठीक तो है तो एट माइनस ज़ीरो एट फिर यहाँ फोर है तो फोर के लिए वन यहाँ से कैरी यहाँ से बोरो किया तो फोर्टीन माइनस नाइन इक्व टू फाइव यहाँ ज़ीरो है तो ज़ीरो पॉइंट फाइव एट परफॉर्म द सब्टेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम राइट रिग्रुप इफ रिक्वायर्ड प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द डिफरेंस बिलो द डेसिमल पॉइंट अबाउ जैसा कि ऊपर डेसिमल पॉइंट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाते हैं द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ टू लाइन्स इज जीरो पॉइंट फाइव एट मीटर ये आंसर है आपका अभी यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सबटेक्ट करने के इन्हें आप करके देखेंगे ठीक है अभी हमारा फाइव ई माइंड जिम ये भी जैसा हमने अभी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं वही के वही कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ दिए गए हैं इन्हें आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। अभी हमने एडिशन देखा सब्ट्रैक्शन देखा अब आता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं चलिए देखते हैं रोहित वांट्स टू परचेज सम पेन्स ईच पेन कॉस्ट टेन रुपीज़ फिफ्टी पैसे वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ थ्री पेन्स और ट्वेल्व पेंस तो इसके लिए क्या करना होगा हमें ये जो एक पेन की कीमत है उसमें इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री पेंस की कीमत निकालने के लिए थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और ट्वेल्व पेंस की कीमत निकालने के लिए ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है अभी देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसीमल नंबर्स इज जस्ट लाइक मल्टीप्लाइंग होल नंबर्स जैसे हम पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही डेसिमल नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है बट द रिमेंबर द प्लेसमेंट ऑफ डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट एज फॉलो उसमें जो डेसिमल पॉइंट हमें लगाना है उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ डेसीमल प्लेस इन द फैक्टर वाइल कंटिन काउंटिंग डिजिट्स इन द प्रोडक्ट टू टू प्लेस डेसीमल पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम राइट चलिए एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं ये कैसे आपको करना है मल्टीप्लीकेशन बाय होल नंबर्स लेट इस सॉल्व द अबाउ प्रॉब्लम्स बाय मल्टीप्लीकेशन इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं टेन पॉइंट फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाय थ्री तो मल्टीप्लाई लाइक होल नंबर्स इग्नोरिंग द डेसीमल अभी आप इस डेसीमल को इग्नोर करके सिंपल हम जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है यह हमारा आंसर आया अब आप यहाँ पर देखें कि काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन बोथ द फैक्टर इन फैक्टर के बाद हमें काउंट करना है कि इसमें कितने इसमें वो आ रहे हैं पॉइंट जैसे कि देखिए उदाहरण में टेन पॉइंट फाइव जीरो एंड थ्री हेंस टू यहाँ पे टू डिजिट हैं है, है ना और थ्री के बाद ज़ीरो है इसमें पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम ज़ीरो काउंट करेंगे तो प्लस जीरो टू प्लस ज़ीरोस टू टू द प्लेस द डेसीमल पॉइंट्स इन द प्रोडक्ट आफ्टर मैनी प्लेसेस एस नंबर ऑफ डेसीमल प्लेस इन द फैक्टर काउंटिंग फ्रॉम द राइट इनको काउंटिंग करते हैं अब टू आया है मीन्स आपको वन और टू टू डिजिट के बाद डेसीमल पॉइंट लगाना है चलिए और आगे हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सिमिलरली सॉल्विंग फॉर द प्रॉब्लम टेन पॉइंट फाइव ज़ीरो मल्टीप्लाई ट्वेल्व अब हमने यहाँ पर इसको ट्वेल्व से मल्टीप्लाई किया तो अब देखिए पॉइंट फाइव ज़ीरो टू डिज़िट हैं और ट्वेल्व के बाद पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर ज़ीरो है टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द फैक्टर्स इक्व टू टू पॉइंट ज़ीरो टू टू ठीक है तो यहाँ पर टू नंबर्स के बाद ज़ीरो जो हो डेसिमल uh, पॉइंट लगेगा ठीक है ये हमने पहले होल नंबर को मल्टीप्लाई किया फिर उसके बाद आखिरी में हम जब हमारे पास आंसर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसके बाद हम जो हमारी दी गई वैल्यूज़ होती हैं उनका हम फैक्टर निकालते हैं कि कितने पॉइंट के बाद दोनों वैल्यूज़ में कितने डिजिट हैं उन्हें हम प्लस करते हैं और फिर जो वैल्यू आती है उतने डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं इसमें टू है तो वन और टू सेकेंड प्लेस पर हमने डेसिमल पॉइंट लगाया है ठीक है चलिए और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय टेन हंड्रेड एंड वन थाउजेंड वेन अ डेसिमल इस मल्टीप्लाई बाय टेन हंड्रेड वन थाउजेंड द डेसीमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू वर्ड्स राइट एज मैनी प्लेसेज एज द नंबर ऑफ़ जीरोज इन द मल्टीप्लायर इफ़ द नंबर ऑफ़ डेसीमल प्लेसिज इन द मल्टीप्लीकेशन इज लेस दैन द नंबर ऑफ जीरोज इन द मल्टीप्लायर इन सट जीरो एट द राइट मोस्ट डेसीमल प्लेस इन द मल्टीप्लीकेट चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं आपको इसमें आपको फाइंड द प्रोडक्ट मीन्स इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करन, फ़ाइंड करना है तो यदि हमारा मल्टीप्लिकेंट जो है वो टेन 10 है हंड्रेड 100 है वन थाउजेंड है इस प्रकार की ज़ीरो वाली वैल्यूज़ हैं तो इसे हमें पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है उसके लिए एक सिंपली uh, हमें क्या करना है कि ज़ीरो काउंट करना है ठीक है और uh, जितने ज़ीरो होंगे उतनी पॉइंट वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा जैसे यहाँ पर वन ज़ीरो है तो ये पॉइंट जो होगा वन नंबर शिफ्ट हो आगे शिफ्ट हो जाएगा जैसे यहाँ पर फाइव फिफ्टीन पॉइंट थ्री फो थ्री टू है तो इसमें वन ज़ीरो है तो ये पॉइंट थ्री के बाद आएगा ठीक है यहाँ पर देखिए टू ज़ीरो हैं तो ये पॉइंट टू डिज़िट के बाद आ जाएगा ठीक है तो ये पॉइंट के बाद टू टू डिज़िट होंगी टू और फाइव तो फाइव के बाद यहाँ पर ये डिज़िट शिफ्ट हो जाएगा अभी यहाँ देखेंगे वन टू थ्री थ्री ज़ीरो है मींस यहाँ आपको आपका जो पॉइंट है वो थ्री डिजिट शिफ्ट होगा तो यहाँ देखिए वन और टू टू ही डिज़िट हैं आपके पास तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक ज़ीरो लगाना होगा और उसके बाद फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे देखिए यहाँ बताया गया है एटीन पॉइंट वन थ्री ज़ीरो ठीक है मल्टीप्लाई वन थाउजेंड तो ये थ्री ज़ीरो के कारण थ्री डिज़िट शिफ्ट होगा मीन्स वन थ्री ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो अभी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डेसिमल्स अभी टू डेसिमल्स में कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे अ गार्डनर वांट्स टू मेक अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड विच इज़ 3.6 मीटर इन लेंथ एंड 2.4 मीटर इन ब्रीथ व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ टू फाइंड द एरिया वी हैव टू मल्टीप्लाई 3.6 पॉइंट सिक्स बाई टू पॉइंट फोर इन दोनों नंबर्स ये आप देखेंगे दोनों ही डेसीमल नंबर्स हैं तो इन डेसीमल दोनों ही यदि डेसीमल नंबर्स हैं तो उन्हें कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं चलिए थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई ट्वेंटी फोर तो इससे हम मल्टीप्लाई लाइक होल नंबर्स जैसे हम सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे वैसे हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे डू नॉट यूज़ द डेसिमल पॉइंट डेसिमल पॉइंट हमें यहाँ पर यूज़ नहीं किया है अब देखिए यहाँ पर फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट डेसिमल ये हमने प्रोडक्ट निकाल लिया इसमें हमने डेसिमल यूज़ नहीं किया है तो अब uh, हम पॉइंट कैसे लगाएंगे चलिए तो उसको हम देखते हैं काउंट द टोटल नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेस इन बोथ द फैक्टर दोनों जो हमारे फैक्टर हैं उसमें हम जो हमारा डेसिमल प्लेस है उसे काउंट करेंगे थ्री पॉइंट सिक्स तो इसमें वन डेसिमल प्लेस है ठीक है पॉइंट के बाद वन एक ही डिज़िट है ठीक है और यहाँ पर टू पॉइंट फोर तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो ये होगा वन डेसिमल प्लेस तो वन प्लस वन इक्व टू टू तो अभी हमें यहाँ पर टू डेसिमल प्लेस के बाद आपको डेसिमल पॉइंट लगाना होगा इन द प्रोडक्ट प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर टू प्लेस फ्रॉम द राइट देखिए इस प्रकार से एट पॉइंट सिक्स फोर यहाँ पर हम ये पॉइंट लगाएंगे टू डिजिट के बाद ठीक है द एरिया ऑफ फ्लावर्स बेड विल बी एट पॉइंट सिक्स फोर स्क्वायर मीटर तो ये है मल्टीप्लीकेशन में जब हम टू डेसीमल्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है ठीक है किस प्रकार से हमें इनके पॉइंट लगाना है चलिए इसी के जैसा एक एग्जांपल यहाँ पर है इसे आप देखेंगे फिर है हमारा फाइव एफ़ माइंड जिम इसमें भी इसी प्रकार के कुछ प्रॉब्लम्स हैं इन्हें सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न ऑफ डेमल्स डेसीमल्स नंबर्स में अब डिवीजन कैसे करते हैं अभी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन देख लिया अब आता है हमारा डिवीजन। डेसीमल नंबर्स में डिवीजन कैसे करना है चलिए देखते हैं एग्जांपल है मिसेस मोरु परचेस्ड फोर पॉइंट सिक्स किलोग्राम ऑफ राइस शी वांट टू प्लेस इट इन टू कंटेनर्स इक्वली वॉट वीट ऑफ राइस विल भीट कैप्ड इन ईच ऑफ ऑफ द कंटेनर वी कैन फाइंड द वेट ऑफ राइस इन बाईड तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा डिवाइड करना होगा डेसिमल्स आर डिवाइडेड जस्ट लाइक डिवाइडिंग होल नंबर बट द डेमल पॉइंट इन द क्वेश्चन इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबाउ द डेसिमल पॉइंट ऑफ द डिडेंट इसमें जैसा डिविडेंट में डेसिमल पॉइंट होता है वैसे ही हम डायरेक्ट पॉइंट आउट करते हैं इसमें प्रोडक्ट जैसा नहीं मल्टीप्लिकेशन जैसा नहीं होता है इसमें जैसा डिविडेंट है आपका वैसे ही हम इसके कोशेंट में पॉइंट लगा देते हैं और डिवाइड जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं वैसे ही हमें इन्हें डिवाइड करना है तो यहाँ पर देखिए फोर पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई टू तो पहले हम टू के लिए टू की टेबल पढ़ेंगे फोर के लिए तो आता है टू और इसमें सिक्स आया तो ये टू थ्री सिक्स ठीक है तो हमारा आंसर आता है टू पॉइंट थ्री ठीक किलोग्राम ऑफ राइस ईच कंटेनर विल हैव अब देखते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय ग्रेटर डिवाइजर अभी हमने हमारा डिवाइजर जो है वो बड़ा है और डेसिमल नंबर्स छोटे हैं तब हम इन्हें कैसे डिवाइड करेंगे तो द हेर्स डिविडेंट डज नॉट हैव होल नंबर पार्ट एंड डिवाइजर इज़ अ होल नंबर तो फाइव डिवाइड बाय ज़ीरो पॉइंट टू थ्री फाइव यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो डिविडेंट है वो छोटा है है ना? ये पॉइंट कोई पॉइंट और ये यह फाइव यहाँ की ये होल नंबर को हम कंपेयर करते हैं तो फाइव जो है वो ज़ीरो से बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा हमें स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर जीरो और पॉइंट लगा देते हैं ठीक है फिर हम इसे सिंपली जैसे हम डिवाइड करते थे वैसे ही हम डिवाइड करते हैं इस प्रकार से आपको ये करना टू बिगिन दिस डिवीजन बी प्लेस ज़ीरो इन द क्वेश्चन जस्ट अबाउ द होल नंबर पार्ट ऑफ द डिविडेंड देन प्लेस द डेसिमल पॉइंट एंड डू द सम जस्ट लाइक डिवाइडिंग होल नंबर्स जैसे हम पहले जीरो हम लगा देते हैं और जैसे हम पहले डिवाइड करते थे वैसे ही हम इसे डिवाइड कर लेते हैं ठीक है यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया है फिर है रिमाइंडर वाइल डिवाइडिंग डेसिमल्स जब हम रिमाइंडर uh, बचता है डेसिमल्स नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या करना है वैन द डिविडेंट है डेसीमल नंबर इज़ नॉट कम्प्लीटली डिवाइड डिविजल गिवन डिवाइजर वी एड एक्स्ट्रा जीरोज टू द डिविडेंट टू कम्प्लीट द डिविजन अब इसी डिवीजन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं ज़ीरो ऐड कर देते हैं देखिए यहाँ पर सिक्स को हम फोर पॉइंट फाइव को डिवाइड कर रहे हैं सिक्स से तो पहले हम इसको पूरा डिवाइड किया तो थ्री हमारा रिमाइंडर बचा तो अब यदि इस प्रकार का रिमाइंडर हमारे पास बचता है तो पहले ही हम क्या करते हैं जो डिविडेंट होता है उसमें ज़ीरो लगा देते हैं देखिए यहाँ पर सिक्स को फोर पॉइंट फाइव था तो फाइव के बाद ज़ीरो लगा दिया तो अब डिवाइड करेंगे तो पहले जैसे हमने इसमें पॉइंट है डेसिमल पॉइंट पहले वैसे ज़ीरो लिख के डेसिमल पॉइंट बनाया फिर सिक्स की टेबल पढ़ेंगे तो सिक्स सेवन ज फोर्टी टू ठीक है माइनस किया तो थ्री आया फिर यहाँ से हमने ज़ीरो नीचे लिया तो थ्री सिक्स फाइव ज थर्टी ठीक है तो ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पर जीरो हो गया तो इस प्रकार से जब रिमाइंडर बच रहा है तो फिर हम जीरो लिखकर उसे पूरा कंप्लीट करते हैं ओके नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन बाय टेन हंड्रेड वन थाउजेंड इस प्रकार की वैल्यूज से जब हम आ, किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा तब हमें इनके जीरो काउंट करेंगे और उतने जितने जीरो हैं उतने आगे हमारा डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा देखिए यहाँ पर थर्टी सिक्स पॉइंट टू फोर डिवाइड बाय टेन टेन में वन ज़ीरो है तो ये वन uh, डिजिट आगे शिफ्ट होगा मींस यहाँ पर थ्री पॉइंट सिक्स टू फोर ये हो जाएगा अभी यहाँ देखेंगे आप वन uh, थाउजेंड तो थ्री ज़ीरो हैं मींस यहाँ आपको वन uh, ये ये डिजिट के बाद मतलब पॉइंट के आगे बढ़ना है आपको उतने ज़ीरो वन टू थ्री थ्री डिजिट के बाद यहाँ तो ज़ीरो पॉइंट फाइव नाइन सिक्स नाइन इस प्रकार से ये चेंज होगा अभी फोर पॉइंट फाइव डिवाइड बाय हंड्रेड इसमें टू ज़ीरो हैं ठीक है थीके? तो ये पॉइंट के बाद टू डिज़िट शिफ्ट होगा तो ये वन और टू तो इसके लिए यहाँ पर वन डिज़िट है तो इसमें हम ज़ीरो यहाँ पर लिखेंगे तो ये वन और ये टू तो पॉइंट ज़ीरो फोर फाइव जीरो पॉइंट फोर फाइव भी से हम लिख सकते हैं तो इस प्रकार से हम जब डेसिमल uh, नंबर्स को टेन हंड्रेड वन थाउजेंड इस प्र नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट्स इस प्रकार से शिफ्ट होते हैं ठीक है तो ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेंगी ठीक है और फाइव जी माइंड जिम ये आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है ठीक है ओके थैंक यू